नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं अभी हरियाणा के टूर पे हूँ और अभी मैं लेटेस्ट में मॉर्निंग टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। अजीत जी नांदू साहब है जो एक मैं कहूँगा मारवाड़ी घोड़ों में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है और इंडियन हॉकी टीम के ये प्लेयर भी है। मैं जो नहीं जानते उनको बता दूँ। सर आपका नमस्कार, स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू जी। बिल्कुल साहब, घोड़ों में आपसे तो बहुत प्यार से रह रहे हैं घोड़े यार। बिल्कुल, घोड़ों को मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी जानवर, इवन घोड़े, डॉग्स, बिल्ली, कुछ भी, वो इंसान के पास प्यार से ही रहना चाहते हैं ये, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी है। बस लोगों को इनको पहचानना होता है। बिल्कुल, तो मेरी लाइफ में ये हैं। अच्छा सर, वैसे तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हो, लेकिन फिर भी जो अपने जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनका आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे दो। और अपना जो फार्म हाउस का नाम है वो क्या नाम आपने रख रखा है? मेरा नाम अजीत नांदल है और मैं फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम का प्लेयर रहा हूँ। और मेरे स्टड फार्म का नाम AN स्टड फार्म है, अजीत नांदल स्टड फार्म, जो रोहतक में सन सिटी 34 में है। और मैं दिल्ली से 65 किलोमीटर मेरा स्टड फार्म। ओके। अच्छा सर, इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है आप ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के सदस्य भी हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, मैं ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का मेंबर भी हूँ और हरियाणा का मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो सर, वैसे तो हम इंटरव्यू आपको पता है कि घोड़े पकड़ के खड़े करते हैं, लेकिन आप जैसे अगर लोगों से मेरे को अच्छी जानकारी मिले और जो पशुपालक देख रहे हैं या नए बंदे देख रहे हैं उनको भी एक अच्छी नॉलेज वाली ये वीडियो मैं कहूँगा कि आज मिलेगी मेरे ख्याल से। तो सर पहला क्वेश्चन है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है सर, आपकी नज़र में एक कम्प्लीट स्टड फार्म क्या है? देखिए, मैं एक स्टड फार्म को कई नज़रिए से देखता हूँ। मेरे को अच्छे स्टेबल्स से मैं अच्छा स्टड फार्म नहीं मानता। काफ़ी लोग स्टेबल्स पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। बिल्कुल सर, मेरे नज़र में जो एक अच्छा स्टड फार्म है वो घोड़े के लिए होना चाहिए, ना कि इंसानों के लिए। जहाँ घोड़े आराम से एक फ्रीडम महसूस कर सकें, एक झुंड में रह सकें, क्योंकि जो घोड़ा है वो झुंड में रहने वाला सामाजिक प्राणी है, वो एक अलग अलग कमरे में बंद के नहीं रह सकता। बिल्कुल, तो इसको कई चीज़ों में मैं बांटता हूँ। जैसे आपने सबसे पहले उसका रूटीन, एक ऐसा स्टड फार्म जिसमें हर चीज़ रूटीन से हो, जिसमें मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट है, इसके बाद हमें ग्राउंड में लेके जाना है, स्कूलिंग करनी है, राइडिंग करनी है, उसके बाद हमें ग्रास के ओपन ग्राउंड्स में छोड़ना है, ताकि वो कम से कम 10 से 15 घंटे मेरा मानना है एक घोड़ा जहाँ पे सभी एक झुंड में रह सके। बिल्कुल सर, ग्रीनरी अच्छी होनी चाहिए घोड़ों के आगे स्टेबल्स में, प्रॉपर उनकी केयरिंग, प्रॉपर उनकी ग्रूमिंग, प्रॉपर उनका टाइम टेबल होना चाहिए। ये मैं चीज़ें मैं एक अच्छे स्टेबल्स में, अच्छे स्टड फार्म में मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए। ओके सर। अच्छा सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन है सर, सारे घोड़े आपके जैसे खुले रह रहे हैं अभी, जैसे खुले चल रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, इसको आप कैसे मेंटेन कैसे करते हो सर? जैसे देखो, बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि घोड़ा घोड़े के पीछे भाग रहा है या कोई बच्चा काट रहा है घोड़ा, ऐसी बहुत से केसेस देखे हैं मैंने, लेकिन आपके यहाँ पे जैसे 5-7 एनिमल है वो सारे एक साथ रह रहे हैं, इसको कैसे आप मेंटेन करते हो? देखिए, ये सच में तो किसी के भी घोड़े इकट्ठा रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये हम लोगों की क्या आदत होती है कि हम लोग इनको जानबूझ करके, इनको बांध के, इनके पछाड़ी लगा लगा के, इनको अलग अलग रूम्स में डाल के इनको इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो इनको ना जेल महसूस होती है। बिल्कुल, इनको लगता है कि हमें ये फ्रीडम, ये बेसिकली एथलीट है घोड़ा, इसको ओपन चाहिए, खूब दूर तक ये भागे, इसमें सारी जो आप ये बोल रहे हो लात मारना, ये सब कुछ ये इसकी नेचुरल हैबिट्स हैं। बिल्कुल सर, वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस करेगा ओपन एनवायरनमेंट में। तो मैंने अलग अलग अरीना इसीलिए बना रखे हैं, ये मेरा ग्रास का अरीना है, यहाँ पे कम से कम मेरा 15 घंटे मेरे घोड़े ओपन में रहते हैं। और आपने मेरा मैंने आपके स्टैलियन सब इकट्ठे, मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैंने आपके यहाँ फार्म पे दूसरी चीज़ ये भी देखी है कि आपने सब कुछ अलग अलग मेंटेन करके रखा, जैसे इधर ये ग्रास का, उधर वो हो गया, उधर वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल बात है। और जो बहुत से सारे मैं जाता हूँ यहाँ स्टेबल, वहाँ घोड़े एक बांध के रखते हैं, वहाँ से निकाला बाहर छोड़, बाहर बांध दिया, बाहर से बांध निकाला अंदर बांध दिया,
तो मतलब एक घोड़ों का सुखी जो जीवन है वो आप यहाँ पे मेरे को दिखा रहे हो। देखिए इससे अच्छे अच्छे भी बहुत सारे स्टेबल्स हैं। मैं इंडिया में मारवाड़ी में जो सबसे नंबर वन स्टेबल मानता हूँ, जिसको देख के मैं सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसा करने की, वो रोहितगढ़ है, सिद्धार्थ सिंह जी रोहित। ठीक है। जो वो उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है मारवाड़ी घोड़ों के लिए, देखो थोरो ब्रीड में इंडिया में बड़े से बड़े स्टड फार्म है, बिल्कुल मैं मारवाड़ी स्टड फार्म की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है मैं कोशिश करता हूँ वही देने की। आपको अलग अलग अरीनाज, अलग अलग इसको वैरायटी देनी पड़ेगी घोड़े को कि आप यहाँ जा रहे हैं, आप जब आपका जब उस दूसरे पैडक में होंगे तो ये मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अब मेरा वर्कआउट का टाइम है। बिल्कुल सर। जब यहाँ होते हैं तो इनको लगता है हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं, हमें चरना है। बिल्कुल सर। जब मेरे बीच राउंड अरीना है मेरे पास, उसमें होते हैं तो इनको पता है कि यहाँ लंजिंग टाइम है, ये हमारा ये वर्कआउट है। और दूसरा इसको मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे साथ एक ही दिक्कत है कि हम लोग घोड़े को नहीं, इंसानों को देख के स्टड फार्म बनाते हैं कि लोग हमें कहें वाह क्या बहुत बड़ा स्टड फार्म, करोड़ों रुपए लगा दिए, और जब दूसरे को देख के बनाते हैं बस वो मैं क्या बताऊं। लेकिन स्टड फार्म की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान में भगवान ने ओपन स्टड फार्म दे रखे हैं, वो आपके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, वहाँ पे उस जमीन में खुले घोड़े रहते हैं, वो भगवान ने पैडक अपने आप बना के दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आप मैं आपकी एक मिनट बात काटूंगा, आपने जालोर एरिया आपने बखूबी आपने देखा होगा, उस एरिया में आप चले जाओ आज भी वहाँ पे बहुत कम ये मान के चलो पक्के स्टेबल्स आपको मिलेंगे। वो लोग नीम के नीचे बांध देते हैं बस उनको और वो खुले में रहते हैं आराम से। ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। ये आप अर्जेंटीना, अफ्रीका और न्यूजीलैंड इन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ के भी जो विलेजर्स हैं ना, जो गांव वासी हैं, जो घोड़े रखते हैं, वो उसी इन्वायरमेंट में वैसे ही तरीके से घोड़ों को डेवलप करते हैं। ओके, ओके, ओके। हम लोग क्या है कि एक तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब मेरी ये शहर के बीच में लैंड है तो मेरे पास ये 3 एकड़ जमीन है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इतने में हमें अलग अलग पोर्शन देने पड़ेंगे, इसी में हमें काम चलाना है। तो अगर जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, कम से कम मैं मानता हूँ एक स्टड फार्म को 10 एकड़ जमीन चाहिए। बिल्कुल सर। उस स्टड फार्म को जरूरी नहीं है कि आपके जो पैडेक हैं वो जो स्टेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार होने चाहिए। घोड़े को एक कच्चा स्टेबल, उसमें एक पंखा, खूब सारा उसमें वेंटिलेशन की जगह, और अच्छा उनका पानी की एक व्यवस्था और चारे की एक व्यवस्था हो, घोड़े को यही जरूरत है। बस वो उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। बस बस। चलो अच्छी बात बताई सर आपने, वरना बहुत से तो देखो आज पक्के पक्के स्टेबल डबल डबल तिबल तिबल बचल के उसमें ऐसी रूम का फंके वंके सब। वो मैंने बताया कि वो घोड़ों के लिए नहीं, वो इंसानों के लिए बना रहे हैं, इंसानों को दिखाने के लिए है वो। अच्छा सर मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने हिंदुस्तान में पहली बार अरीना पोलो कब यहाँ करवाया था, और वह भी मारवाड़ी घोड़ों पर, जो आज तक पॉसिबल नहीं था। लोग कहते थे कि मारवाड़ी घोड़े जो पोलो नहीं खेल सकते हैं, आपने पहली बार यहाँ करवाया तो आपको कैसा अनुभव है, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े पोलो प्लेयर यहाँ पर आकर खेले थे, यहाँ पर आकर पोलो खेल रहे थे। देखिए इसका आइडिया मेरे को इंडिया के बहुत बड़े लीजेंड पोलो प्लेयर हैं, श्री ध्रुपाल जी गोदारा। ओके। बहुत बड़े लीजेंड हैं वो, कई वर्ल्ड कप खेले हैं और कैप्टन रहे हैं, और अनंत सिंह जी केलवा। ओके। उन्होंने मेरे को आइडिया दिया था, और सिद्धार्थ सिंह जी रोहित और गज्जू बना पोसाना, इन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि हर आदमी हर जगह पे सिर्फ एक ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं जो हमारे शोज जिनको हम बोलते हैं। बिल्कुल सर। उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि जिसके घोड़े जीत जाते हैं वो तो खुश है, जिसके हार जाते हैं वो कहते हैं हमारे साथ चीटिंग होगी। बिल्कुल। तो हमें मारवाड़ी को फील्ड पे लाना चाहिए कि भाई चेस्ट टू चेस्ट फाइट है, जिसका जीतेगा वो सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और एक किद्वंती थी कि लोग कहते थे कि मारवाड़ी कभी पोलो या इक्वेस्टेरियन में नहीं जा सकता, तो लोकू बना है बहुत इंडिया के बहुत फेमस हॉर्समैन है लोकू बना और लीजेंड पोलो प्लेयर, उन्होंने मारवाड़ी को थोड़ा सा इन ब्रीडिंग उन्होंने किया और मारवाड़ी को पोलो उन्होंने खेले, तो उन्होंने भी आइडिया दिया कि ये खेल सकते हैं, ये भले ही बड़ा पोलो एकदम ना खेलें, ये अरीना के अंदर पोलो खेल सकते हैं। बिल्कुल सर। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो नाइट का मेरा इवेंट था और कोविड के बीच में था, उसके बावजूद भी 143 कंट्रीज़ में
ANI न्यूज ने उसको लाइव चलाया और मतलब इंडिया के कई अच्छे प्लेयर यहाँ पे खेलने आए और सब ने इतनी तारीफ की इस ब्रीड की और बोला कि ये आप 100% में श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये पोलो के बड़े चक्कर्स वगैरह में हम मारवाड़ी को एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मेरे को ये बहुत खुशी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मारवाड़ी घोड़ों पे आपने यहाँ पे पोल वॉक करवाया, बहुत अच्छी बात है मैं कहूँगा। आज देखो मारवाड़ी जो घोड़े हैं ओनली ब्रीडिंग या शो के काम में आ रहे हैं बस, उसके अलावा और क्या काम में आ रहा है। अगर आप ये एक अच्छी पहल है मैं कहूँगा, और मैं तो कहूँगा कि जो मारवाड़ी घोड़े ब्रीड करता है जो रखते हैं उनको एक एक घोड़ा ऐसा तैयार करना चाहिए ताकि उनका भी नाम हो। और देखिए मैं एक आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल जितने आप पुराने फोटो देखेंगे हमारे राजा महाराजा किसी के भी, हमारे पूर्वजों के, उस फोटो में जो आपके दादाजी या राजा महाराजा जो भी हैं वो आपको घोड़े के ऊपर बैठे दिखेंगे। बिल्कुल, कभी आपने देखा है कि वो घोड़े के नीचे खड़े हैं ऐसे करके? बहुत कम दिखा है, बहुत कम है। आज ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग ऊपर बैठना तो पसंद नहीं करते क्योंकि पसंद क्या उनको लगता है कि हम नहीं कर पाते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है ना जी, और वो पकड़ के घोड़े को लेके आते हैं फिर अंदर कर देते हैं, जो घोड़े का नेचर नहीं है। बिल्कुल सर, घोड़े का नेचर है कि मुझे ऊपर बैठो और मुझे भगाओ। बिल्कुल सर, तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी, जब तक जो हमारा यूथ है ना उसमें उसको कोई लेना देना नहीं है कि इस घोड़े ने कितने शो जीते हैं। बिल्कुल सर, उसको ये है कि ये मेरा घोड़ा कितना मुझे प्लेजर दे रहा है जब मैं राइड कर रहा हूँ। एक दूसरी बहुत बड़ी सोच ये होगी है लोगों की कि अगर आपके पास कोई राइडिंग का घोड़ा है तो उसको बोलते हैं सर आप वाला घोड़ा तो सस्ता है क्योंकि ये राइडिंग का है, मेरे पास तो शो का घोड़ा है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बता देता हूँ। बिल्कुल सर, हिंदुस्तान का जो आज तक का सबसे बड़ा लीजेंड घोड़ा हुआ है ना वो आलिशान हुआ है। बिल्कुल सर, और आप बिलीव करो, और वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब से वो सिद्धार्थ सिंह जी के पास था तो शेडल रखने का सही टाइम आया, और जब शेडल उतारने का सही टाइम आया उस बीच में उसने तकरीबन 22-23 साल तक उस घोड़े ने राइडिंग दी है। इंडिया का सबसे टॉप ब्रीडर वो घोड़ा रहा। बिल्कुल, सबसे ब्यूटीफुल घोड़ा वो रहा। बिल्कुल, ब्रीड में वर्ल्ड में उससे बड़ा कोई घोड़ा नहीं है मारवाड़ी ब्रीड में, राइडिंग में उससे परफेक्ट घोड़ा मैं मानता ही नहीं हूँ मारवाड़ी ब्रीड में। तो बताइए ये सोच कैसी है लोगों, घोड़े को लोग बाग पूछते हैं साहब आलीशान, सभी कुछ तो उनका उसका ब्रीड सभी कुछ सभी उसी का है साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस घोड़े का, हालांकि हमने तो साहब देखा नहीं उसको, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया। कभी आप रोहितगढ़ जाएं, बिल्कुल सर, मॉर्निंग में जिस टाइम लोग सपने में पैसा कमा रहे होते हैं उस टाइम सिद्धार्थ सिंह जी रोहित घोड़े के ऊपर होते हैं। मैं उनके पास जाता हूं, अब भी जाके आया हूं। वो 5 बजे 5:30 बजे घोड़े पे चढ़ जाने वाले आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 9-10 बजे तक वो घोड़ों पे ही रहते हैं। वो तब पॉसिबल हो पाया है, उस लेवल पे उस घोड़े को तब पहुंचा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो घोड़ा या कोई भी चीज है वो मेहनत से अचीव कर सकते हो, आप खाली बोलने से मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा जी। और मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान देते रहते हैं। देखिए मैं इस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्या पता मुझे भी देख के लोग ये ज्ञान दे रहा है, लेकिन लेकिन मेरा ये मानना है कि जो खिलाड़ी होता है ना, बिल्कुल, वो ग्राउंड के अंदर खेलता है, ताली बजाने वाले बाहर ताली बजाते हैं। बिल्कुल सर, जो उसको तारीफ कर रहे हैं जीतने वाले की भी और हारने वाले की भी। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे बैठे होते हैं जो खाली ये कहते हैं कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं करेगा, तो उन लोगों पे हमें फोकस नहीं करना। हमें फोकस करना है अपने खेल पे, हमारे जो प्रशंसक है जो बाहर हमारे लिए चीयर कर रहे हैं उन पे, और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, बस मेरा ये मन। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप हरियाणा के मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, आपका हरियाणा के बाकी ब्रीडर्स के लिए क्या संदेश है? देखिए मेरा एक सीधा सा संदेश है, ये मेरा नहीं है, ये हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह जी का है, हमारे सीनियर्स का है, विजन है, एक संदेश नहीं एक विजन है कि मारवाड़ी को हम वर्ल्ड के बेस्ट, नो डाउट ये वर्ल्ड की फर्स्ट 3 ब्रीड में सबसे ब्यूटीफुल घोड़ा है। बिल्कुल सर, लेकिन बींग एथलीट ये बहुत पिछड़ चुका है, वो इसलिए कि हम लोगों के कारण, इसके कारण नहीं, हम लोग इसको एथलीट की नज़र से देखते ही नहीं। तो इस आईएनएस का, हमारे सीनियर्स का ये विज़न है, उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो भी जिस स्टेट का प्रेसिडेंट है, मैं हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ,
तो हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सर विद डीएनए, हम डीएनए करवा रहे हैं बिल्कुल सर, उसका ताकि रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड तक जा सके विद। आप इसको एक अच्छा लाइफस्टाइल दें इस घोड़े को, आप जो शो करवा रहे हैं या मैंने अरीना पोलो करवाया कुछ भी, उसका विज़न एक ही है कि घोड़े को हमें दुनिया के आगे प्रेजेंट करना है कि हम खाली ब्यूटी में नहीं, हम स्पोर्ट्स में भी आगे, हम हर फील्ड में हम इस घोड़े को यूज़ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम है, आप हरियाणा के लिए इतना कर रहे हो बहुत बढ़िया है और डीएनए पे भी आप फोकस कर रहे हो जी। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में जज भी है और काफ़ी समय से आप जजिंग भी कर रहे हैं, आप मारवाड़ी ब्रीड को क्या समझते हैं कि मारवाड़ी ब्रीड के आपको क्या लग रहा है, मारवाड़ी ब्रीड दुनिया में देश में किस तरफ जा रही है, किस लेवल तक जाएगी? देखिए मैं कुछ पिछले 5-6 साल से 7 साल से मैं जजिंग में, मेरे को मौका मिलता है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो अपनी जगह हमें मौका दे देते हैं। बिल्कुल सर, हम सीख रहे हैं अभी और लेकिन ये अच्छी बात मैं मानता हूँ कि मुझे जितने भी सीनियर मिले, भाई मैं आपके चैनल से एक बात बता देता हूँ, मेरे जो सब कुछ मैं जो हूँ घोड़ों में, उसमें 80% जो रोल रहा है वो गजेंद्र पाल सिंह पोसाना जी का रहा है। बिल्कुल सर, उनको मेरे पे विश्वास हुआ, उन्हें लगा कि मेरा छोटा भाई है, ये ईमानदारी से ये काम करेगा। बिल्कुल सर, हिज हाइनेस को मेरे पे विश्वास हुआ और मेरे जितने भी टोटल सीनियर्स हैं, जो मेंबर्स हैं या जो किसान हैं या कोई भी है, उनको लगा कि मैं शायद एक ईमानदार आदमी हूँ या मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे मौका दिया और मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाले कम से कम 10,000 आदमी इंडिया में घोड़े रखते हैं जिनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, पर मैं ईमानदारी से करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे को मेरे ऊपर गर्व होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जहाँ तक मारवाड़ी की बात है, ये देश दुनिया में, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये दुनिया का बेहतरीन घोड़ा है, ये जंगी घोड़ा है, ये इसको दरबारी घोड़ा नहीं बनाना, हमें इसको स्टेबल्स के अंदर खड़ा करके ब्यूटी नहीं दिखानी, इसको फील्ड में लेके आना है, इस घोड़े को इसको दिखाना है दुनिया को कि ये घोड़ा, ये ब्रीड हमने मारवाड़ी ब्रीड है भाई इंडिया में यहाँ पे, मतलब। और दूसरा ये है कि जो भी ब्रीडर्स जो ब्रीड करते हैं, जो शो में लेके आते हैं, अगर वो सोचते हैं कि मैं एक उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैंने लाइफ में कम से कम बचपन से लेके मैंने 25 साल हॉकी खेली, तो मैंने ज़्यादा नहीं तो 1,000 मैच खेले होंगे जो मेरी स्टेट के लिए, मेरी रोहतक के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरी प्रैक्टिस में और हर जगह मैंने मैच खेले होंगे। बिल्कुल सर, 1,000 में से शायद मैं 900 मैच आ रहा हूँगा। बिल्कुल, और उसी के कारण आज मैं थोड़ा सा मेरा नाम है हिंदुस्तान में। अगर मैं पहले ही 5-10 मैच हारते ही मेरे पिताजी मुझे कह देते छोड़ो यहाँ चीटिंग होती है, यहाँ पे तो रेफरी आपको हरवा रहा है, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो रेफरी नहीं हरवा रहा आपको, सच तो ये है कि आपने उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो आप उस अपोनेंट को हरा पाए हो उस मैच में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो आप पैदा करिए, आप उसको भी हराएंगे, आपको रेफरी पॉजिटिव लगने लगेगा कि यार बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने ये बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, मैं समझता हूँ इस बात को, और जो अगर मैं उस लेवल तक जाऊंगा अभी तो ज़्यादा बात हो जाएगी, लेकिन आपने एक सीधे शब्द में ये बात समझा दी है। अब चाहे जो मारवाड़ी हॉर्स शोज होते हैं उनके बारे में भी लोग समझ जाएंगे, जो आपने उदाहरण दिया है बखूबी, बहुत ही बढ़िया दिया मैं तो कहूँगा। और दूसरी मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ, सभी घोड़े, बिल्कुल सर, एक शो में कम से कम 200-300 घोड़े घोड़ियाँ बच्चे आते हैं, एक कैटेगरी में 40-50 घोड़े होते हैं। बिल्कुल सर, क्या कोई आदमी ये सोच के लेके आता है कि मेरा घोड़ा 40वें नंबर पे आए? बिल्कुल सर, नहीं। लेकिन वो आता है क्योंकि हर घोड़ा आधा पॉइंट से, एक पॉइंट से अप एंड डाउन, बड़े बड़े जो बड़े बड़े स्टार घोड़े थे वो भी हार जाते हैं किसी शो में, क्या पता उसको लेम हो गया, कोई इंजरी होगी या कोई फॉल्ट आ गया या ट्रॉट में कोई फॉल्ट है। मैं आपसे 3-4 पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप सही में आप शो के लिए घोड़े तैयार कर रहे हो और सोच रहे हो, एक तो ब्रीड को किसी इस चीज़ पे फोकस ना करें कि मेरे घोड़े की गर्दन लंबी है तो ये प्योर मारवाड़ी है, मेरे घोड़े के कान मुड़े हुए हैं तो ये प्योर मारवाड़ी है, मेरे घोड़े की लेंथ अच्छी है तो ये प्योर मारवाड़ी है। एक कंप्लीट हॉर्स जो है ना वो कई क्वालिटी से मिलके बनता है मारवाड़ी। अगर आपके पास वो कंप्लीट हॉर्स है ना,
और मेरे पास खाली वो नेक वाला घोड़ा है तो वो नहीं जीतेगा, आपका कंप्लीट हॉर्स जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर मेरा घोड़ा ट्रोट कर रहा है उल्टी सीधी और आपका घोड़ा भले उससे थोड़ा सा कम ब्यूटीफुल है लेकिन वो परफेक्ट है तो वो जीतेगा ना। तो वहां पे वो जो सोच है ना उसमें चेंज करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ी सी कमी हम अपने ब्रीडर्स की, हमारी सीनियर्स की हम मानते हैं, बिल्कुल सर, कि वो ये कमी है कि हमें सेमिनार लगाने चाहिए। कम से कम साल में 2 सेमिनार होने चाहिए, बड़े जो फेयर हैं पुष्कर फेयर, तिलवाड़ा फेयर, जोधपुर में ऑलरेडी होता है सेमिनार, अभी 1-2 साल से नहीं हो रहा। तो उस सेमिनार में हम किसानों को ये बता पाएं कि ब्रीड क्या है, आपको किस ओर लेके जानी है। आज लोग एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हाइट हाइट हाइट। बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरा 70 का है, मेरा 72 का है। आप इस चीज़ पे फोकस ना करें, या तो आप मारवाड़ी मत बोलें। बिल्कुल सर। या मारवाड़ी बोल रहे हैं तो उस पैरामीटर पे आप फोकस करें, जो पैरामीटर मारवाड़ी सोसाइटी ने या लोगों ने जो सीनियर ब्रीडर ने स्थापित सीमित की है, मतलब हाँ उसमें थोड़ा आप डाउन हो सकता है। बिल्कुल सर। अगर आपको ये बोल दे कोई कि आपको बेस्ट मणिपुर का लड़का छाटना है, मणिपुर का बेस्ट लड़का आपको सुंदर लड़का देखना है, बिल्कुल सर, तो आप ये थोड़ी कर सकते हो कि आप 6 फुट 4 इंच का कोई लाके, जो हरियाणा में अगर मेरी शादी मणिपुर में हो जाए और मेरे से जो बच्चा होएगा वो ऑटोमेटिकली 6 फिट का हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब वो उस ब्रीड में नहीं जीत सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मिक्स हो गया हरियाणा ब्रीड के साथ। बिल्कुल सर। तो जो मारवाड़ी ब्रीड है ना उसकी जो प्योरिटी है, उसके पैरामीटर है, कई लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी और वो ये भी कह सकते हैं कि अब वो ग्रोथ कर रहे हैं तो मान लिया ग्रोथ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ग्रोथ कर रहे हैं तो वैसे ही पैरामीटर अब भी कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं वो पैरामीटर को अब भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर। आप इस चीज़ को देखें कि सऊदी अरब में कहीं भी अरबियन हॉर्स आज भी उनके पैरामीटर सेट हैं और इसीलिए वर्ल्ड की वो बेस्ट ब्रीड्स में से एक है। बिल्कुल सर। तो मैं ये मानता हूँ सर, ऐसा अगर पूरे अपने इंडिया में भी हो जाए मारवाड़ी घोड़ों के लिए तो वो दिन दूर नहीं है जब अपन बाहर के घोड़ों की बात कर रहे हैं कि वो बेस्ट है, अपने मारवाड़ी घोड़े भी बेस्ट हो सकते हैं कुल मिला के। बस लोगों को समझाने की और सोचने की जरूरत है बस। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे, मैं कहना चाहता हूँ आज कि मैंने और भी कई यूट्यूबर्स से मैंने इंटरव्यू जो हुए हैं मेरे, जो भी मेरी जो बाइट्स उन्होंने लिए। बिल्कुल सर। आप यकीन मानो मेरे को इतनी खुशी हुई, आपने पहली बात तो एक भी क्वेश्चन ये नहीं किया कि घोड़े को पट्टा है जी या घोड़े को फूल है जी या घोड़ा आपका काला है जी। बिल्कुल सर। ये जो यूट्यूबर जो और हैं कई, उनके साथ एक दिक्कत ये है कि वो घोड़े की बेसिक्स पे तो बात करते नहीं है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। आप राजस्थान में, आपके घर में घोड़े रहे, आपको पता है घोड़े को क्या बातें करनी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और उसका मतलब नहीं बनता, इसका तो एक सुम सफेद है जी, इसके माथे पे पट्टा हो टूट गया, अगर होता तो ये महंगा होता। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये रियल में ये बातें नहीं है घोड़ों की। सही है सही। जो आपने क्वेश्चन पूछे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे और मेरे को मजा आ गया। चलो बहुत, जैसा भी मैं क्वेश्चन का आंसर दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू के लिए हमारे चैनल के साथ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।